स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सर्चिंग की बात करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में से, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर डेटा जिसे हमने किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर किया होता है। अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डेटा को उस डेटा में से किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने का, फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हम उसको बात करने वाले हैं। बेसिकली हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो उनमें सर्चिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ट्री के अंदर ट्रेवर्सिंग का मेथड। अगर ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का मेथड सॉर्ट करता है तो बेसिकली इसी तरह ट्रेवर्सिंग के बाकी मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को भी फॉलो करते हुए, यानी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए ट्री में मूव करते हुए किसी भी वैल्यू को जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, हम उसे सर्च कर सकते हैं। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री की सर्चिंग उसके ट्रेवर्सल के थ्रू होती है। एंड इसके अलावा अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सर्चिंग के दो मेथड्स, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा को सर्च किस तरह से किया जाता है, उसके कौन से मेथड्स हैं, सर्चिंग के किस तरह से परफॉर्म की जाती है इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज और लिस्ट और क्यू स्टैक। इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सर्चिंग के बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास है जी लीनियर सर्च और एक है हमारे पास बाइनरी सर्च। सर्चिंग एक्चुअली क्या है? सर्चिंग की एक प्रोसेस है किसी भी एक टारगेट वैल्यू को, अपने सारे के सारे टारगेट डेटा को या टारगेट वैल्यू को अपने सारे के सारे डेटा में से, अपनी वैल्यूज़ में से फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसे हम सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 62 को सर्च करना है तो उसके लिए हमें कहाँ तक मूव करना पड़ेगा, हमें एरे की फोर्थ लोकेशन पे जाना पड़ेगा अपनी टारगेट वैल्यू को सर्च करने के लिए। बहरहाल सर्चिंग करते किस तरह से हैं, इस सर्चिंग के हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हम बोलते हैं लीनियर सर्च और एक को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। अभी जिससे कि हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके सामने आपके एक फिगर के फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो आपके पास लीनियर सर्च का एक मेथड है जिसके अंदर कोई भी एक एरे, लेट्स से ये 12 वैल्यूज़ की एरे है जिसका इंडेक्स, जिस फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स 11 है, और इन 12 वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू 62 को सर्च करना चाहते हैं। 62 को सर्च कैसे किया जाएगा? लीनियर वे में बारी बारी अपनी टारगेट वैल्यू, यानी जिस वैल्यू को सर्च करना है, उसे ऑलरेडी स्टोर्ड एरे की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा। जहाँ पे कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा वहीं पे हमें हमारी फाइंड की करने वाली वैल्यू, ढूंढी जाने वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि पहले एरे 62 को एरे इंडेक्स 0 पे सर्च किया, हम एरे के अंदर मूव शुरू करना शुरू करेंगे एरे के फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। फर्स्ट इंडेक्स पे हम एरे के गए, वहाँ से वैल्यू निकाली और उसे टारगेट वैल्यू यानी सर्च्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया। अगर तो वैल्यू मैच है तो वहीं पे हमारी सर्चिंग स्टॉप होगी, लेकिन वैल्यू यहाँ पे जैसे कि मैच नहीं है, 62 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो हम आगे मूव करेंगे, यानी हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। लूप के थ्रू हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कहीं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू वो इस इंडेक्स पे तो नहीं पड़ी हुई, नहीं 6 to 12 भी नहीं है, 12 के इक्वल भी नहीं है। इसी तरह A2 पे जाएंगे, A3 पे जाएंगे, A4 पे जब हम पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी टारगेट वैल्यू और जो जिस एरे की लोकेशन पे हम इस वक्त मौजूद हैं उसकी, उस इंडेक्स की वैल्यू दोनों सेम है, तो यहीं पे हमारी सर्चिंग हो जाएगी स्टॉप और हम अपने लूप से रिटर्न करके -1 करके बाहर आ जाएंगे, यानी हम अपने लूप को ब्रेक कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। एक और 72 को सर्च करने का मेथड बताया, सेम वही मेथड है आपके पास, 1 by 1 मूव करते जाएंगे। देखें जी, इसमें हम 72 अगर आप देखें तो 72 जिस वैल्यू को सर्च करना है वो वैल्यू एक्चुअली इस पूरी की पूरी एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन लीनियर सर्च इसे क्या करेगा, बारी 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 सारी की सारी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, अनटिल अनलेस वो वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। मतलब हम अपने लास्ट इंडेक्स तक लूप, हम पहले इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक पूरी एरे के अंदर हम मूव करेंगे, एक एक आइट्रेशन के थ्रू, हम लूप के थ्रू एरे की हर वैल्यू को फाइंड की जाने वाली यानी टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू सारे के सारे डाटा को सर्च करने के बाद भी नहीं मिलती तो फिर हम क्या कहेंगे कि वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन आर डाटा। एक्चुअली ये इस वजह से है क्योंकि हम एक अनसॉर्टेड एरे में से डाटा को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यही अगर लीनियर सर्च हम सॉर्टेड एरे पे करेंगे तो रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। बहरहाल जी, अनसॉर्टेड अगर आपके पास डाटा है और लीनियर सर्च अगर आप कर रहे हैं, लीनियर सर्च बिल्कुल एक लीनियर वे में चलती है जिसमें हम वन बाय वन जिस वैल्यू को हमने सर्च करना है उसको हम वन बाय वन आपकी
एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के साथ बारी 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 कंपेयर करते हैं, चाहे वो हमें स्टार्ट में मिल जाए फाइंड करने वाली वैल्यू, दरमियान में मिल जाए या एंड में मिल जाए, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास वो जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहाँ पे है। इसका मतलब है आपको पूरी एरे को देखना पड़ता है, पूरी एरे को एक दफ़ा तो आपको सर्च करना पड़ता है ना, चाहे पूरी को करें चाहे आधी को करें, मतलब आपको ऑलमोस्ट अगर आपके पास एन साइज़ का डेटा तो आपको एन सर्चेज उसके अंदर आपकी एक एरे के अंदर करनी पड़ेंगी। सो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कहलाती है। बहरहाल जी, ये अनसॉर्टेड लीनियर सर्च है जिसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी एक, देखिए आपके पास डेटा की फॉर्म में यानी डेटा नाम की एक एरे है जिसके अंदर डेटा स्टोर है जिसमें से हमने वैल्यू को सर्च करना है, उस एरे का साइज़ है, डेटा वाली एरे का साइज़ है और वो वैल्यू हमने एज अ पैरामीटर सर्च को दी है जिस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है यानी हमारी टारगेट वैल्यू। फिर क्या करेंगे हम एक्चुअली इस वैल्यू को सर्च करेंगे इस पूरी डेटा वाली एरे में। बिल्कुल सिंपल सा एक लूप है, स्टार्ट से शुरू होना है एरे के फर्स्ट इंडेक्स से और लेस देन साइज़ मीन्स साइज़ अगर 12 है तो 11वें इंडेक्स तक जाना है, 0 से लेके 11 इंडेक्स तक मूव करना है। हर आइट्रेशन पे इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा और हर आइट्रेशन पे चेक होगा कि अगर डेटा वाली एरे के इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है तो हम कह देंगे जी रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स रिटर्न करने का मतलब है कि वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे या थर्ड इंडेक्स या जहाँ पे भी मिलती है वहाँ पे मिली है, उससे यूज़र को पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे उसकी फाइंड करने वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर 0 पे नहीं मिलती तो हम ऊपर जाएंगे, यानी अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो रिटर्न भी नहीं चलेगा, हम ऊपर जाएंगे, इंडेक्स इंक्रीज होके 1 हो जाएगा और फिर अब डेटा एरे की फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू को जो फाइंड करने वाली वैल्यू उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, अगर वहाँ पे भी कंपैरिजन ट्रू नहीं होता फिर आप बस रिटर्न नहीं चलेगा और इसी तरह ये लूप कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस वी फाउंड द वैल्यू विच वी वांट विच इज़ द टारगेट वैल्यू। मीन्स हम उसका इंडेक्स जब तक उस वैल्यू को सर्च ना कर ले अपने एरे में से तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लीनियर सर्च के अंदर ऐसा केस भी आ सकता है कि जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके पास ये इफ़ क्या रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि हम जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो एक रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न माइनस वन चलेगी, यानी एक टाइम पे एक ही रिटर्न चलेगा, या तो रिटर्न इंडेक्स या फिर रिटर्न माइनस वन। रिटर्न माइनस वन तब चलेगा जब वैल्यू जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो मिलेगी ही नहीं आपको, जैसे कि आप 72 को सर्च कर रहे थे इस डाटा के अंदर, जबकि इस डाटा के अंदर एरे के पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक वो मौजूद ही नहीं थी। सारी एरे को सर्च करने के बाद भी अगर वो आपको नहीं मिलती तो एक्चुअली आप लूप से बाहर निकल आते हैं, सर्चिंग स्टॉप हो जाती है और फिर रिटर्न माइनस वन हो जाता है। लेकिन अगर वैल्यू मिल जाती है तो वैल्यू जहाँ पर मिलती है उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। अनसॉर्टेड लीनियर सर्च को मेन से कैसे कॉल किया जाएगा, सर्च के एलिमेंट को बेसिकली ये एरे है, सर्च वैल्यू एक डिसाइड की जाएगी, यूज़र बताएगा क्या सर्च करना है और फिर उस सर्च वैल्यू को सर्च के फंक्शन में, सर्च के फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर दिया जाएगा, वो लिस्ट यानी वो डाटा, वो एरे जिसके अंदर डाटा है उसका साइज़ और सर्च वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास किया जाएगा। ये मेन से कॉलिंग उन्होंने दिखाई हुई है आपको। बहरहाल जी, अगर यही लीनियर सर्च हम ऑर्डर डाटा के ऊपर करें तो देखें कितना डिफरेंस आता है। पहली बात तो आपके जो है प्रोग्राम में डिफरेंस आएगा, किस तरह से लीनियर सर्च में वही आपने पैरामीटर वही लेने हैं, डाटा यानी अरे जिसके जिसमें से आपने डाटा को सर्च करना है उसका साइज़ और वैल्यू जिसको आपने फाइंड आउट करना है, वही आपका लूप जो है शुरू से लेके एंड तक चलेगा। लेकिन आप जब चेक करेंगे इफ डाटा इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन वैल्यू, कि आप जिस डाटा के फर्स्ट इंडेक्स से अगर आप देखें, अगर डाटा का फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू ही साइज से वैल्यू से बड़ी है जिस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहीं पर रिटर्न माइनस वन कर देंगे, अदरवाइज कंपेयर करेंगे कि डाटा इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू यानी जहाँ पे कंपैरिजन ट्रू होता है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखें आप, आपके पास डाटा ऑर्डर्ड है, ऑर्डर किस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। अब आपके पास सीक्वेंस में डाटा है, लेट्स से आप इस डाटा में से आपको सर्च करने के लिए कहा जाता है सर्च ज़ीरो, अब आप ज़ीरो को सर्च करने लगेंगे, देखें जी आपका फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू डेटा वन ही, अगर इस एरे का नाम डेटा है, डेटा वन ही आपके पास ग्रेटर है फाइंड होने वाली वैल्यू ज़ीरो से, तो आप किस तरह से इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं अगर ये सेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है डेटा, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लास्ट से शुरू कर लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू से देख लेते हैं, अगर छोटी वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं तो उसकी सर्चिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकती है ना, सेंडिंग में ये 1 2 3 5 7 10 12 17 है, तो डिसेंडिंग में 17 शुरू में और 1 लास्ट में होगा,
फिर हम लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहीं लास्ट एलिमेंट से भी तो छोटी नहीं है। अगर उससे भी छोटी है तो फिर वो इस एरिया के अंदर फाइंड ही नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स जहाँ से हमने सर्चिंग शुरू की है अगर उससे भी छोटी है वैल्यू जिसे हमने फाइंड आउट करना है, यानी वो इंडेक्स पर फर्स्ट इंडेक्स पर बड़ी वैल्यू भी फाइंड करने वाली वैल्यू से बड़ी है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे -1। मीन्स उसका क्या मतलब है कि वैल्यू नॉट फाउंड। और अगर तो डेटा इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू हम कंपेयर करते हैं और अगर हमारे पास कंपैरिजन ट्रू आ जाता है, चाहे वो 0 पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, जहाँ पे जाके वैल्यू मैच हो जाती है वहाँ पे हम रिटर्न करेंगे -1। ठीक है जी, ये मेंसेस की कॉलिंग दिखाई हुई है, ये कह रही है इसमें देखते हैं जी हम सर्च करना चाह रहे हैं 22 को। 22 को सर्च ओके, ये अब हमारे पास बाइनरी सर्च आ रही है, लीनियर सर्च नहीं है। लीनियर सर्च के अंदर ऑर्डर्ड लीनियर सर्च हमारे पास यही है जी। ये देखें आप, अगर लेट से एग्जांपल के थ्रू फिर इसको देख लेते हैं। लेट से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, दिस इज़ अनसॉर्टेड। ओके, सॉर्टेड में ही आते हैं, यही सॉर्टेड है। वही हमने जो एग्जाम्पल लिया, अगर हमने 0 को फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेट से अगर आपके पास ये 10 1 2 नहीं है, 10 20 30 50 70 100 140 एंड 170 वैल्यूज हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, और आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 8 को, 8 को फाइंड आउट करें तो आपकी पहली वैल्यू हमने कह दी है ये 10 है। लेट से अगर ये 10 है तो पहली वैल्यू से भी छोटी है वैल्यू जिसे हमने फाइंड आउट करना है और डाटा भी सॉर्टेड है। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट में ऑलरेडी डाटा अरेंज है और ये उस अरेंज वैल्यू से भी छोटी है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, तो वो इस डाटा के अंदर मौजूद ही नहीं होगी। बहरहाल जी, ऑर्डर लीनियर सर्च के लिए हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम पहले ही चेक कर लेंगे कि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो डाटा के एरे के पहले इंडेक्स से भी तो पीछे नहीं है, यानी जिस इंडेक्स पे जिस पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अगर उससे भी वो पीछे है तो फिर वहीं पे हम अपनी सर्च स्टॉप करेंगे। बहरहाल हम इसे मोस्टली अनऑर्डर लीनियर सर्च के साथ ही हम बात करते हैं। ऑर्डर लीनियर सर्च हमारे पास बहुत रेयर केसेस होते हैं, मतलब लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डाटा का ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है। अनऑर्डर डाटा में से भी वैल्यू को सर्च किया जा सकता है। मोस्टली बेसिकली हम लीनियर सर्च अनऑर्डर डाटा के ऊपर ही करते हैं और उसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है उसका, या ये एल्गोरिथम ये बकायदा प्रोग्राम है C++ का। इसकी मदद से हम अपने डाटा लीनियर डाटा के अंदर लीनियर डाटा के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। एरे के फर्स्ट इंडेक्स से लेके हम लास्ट इंडेक्स तक मूव करते हैं और जहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है वहीं पे हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देते हैं। बहरहाल जी, लीनियर सर्च के बाद अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से डिफरेंट इस तरह से है कि बाइनरी सर्च कभी भी पूरे डाटा के ऊपर सर्चिंग नहीं करता। और दूसरी बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड डाटा के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करता है। मींस किसी भी डाटा में से हमें बाइनरी सर्च करने के लिए या तो हमें डाटा सॉर्टेड मिलना चाहिए, और अगर डाटा सॉर्टेड नहीं है तो हम सबसे पहले डाटा को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए हमारे पास लीनियर डाटा को सॉर्ट करने के बहुत से मेथड हैं, जो है कोई भी सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर लें हम, हीप सॉर्ट तो वापस नॉन पे आ जाएगा, मर्ज सॉर्ट, या फिर हम क्विक सॉर्ट, कोई भी मेथड यूज़ करके डाटा को पहले सॉर्ट करते हैं। जब हमारे पास सॉर्टेड डाटा आ जाता है फिर हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर सर्च तो आपके पास सॉर्टेड या अनसॉर्टेड, यानी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड डाटा के ऊपर, दोनों के ऊपर परफॉर्म हो सकती है, लेकिन मोस्टली इन अनऑर्डर्ड पे ही होती है। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए ज़रूरी है कि डाटा सॉर्टेड हो, तभी बाइनरी सर्च होगी। और बाइनरी सर्च पूरे के पूरे डाटा के ऊपर हम करते भी नहीं, करते भी हम कुछ पार्ट में हैं सर्च, क्यों और किस तरह उसके उसका जवाब अभी हमें मिल जाता है। बहरहाल जी, बाइनरी सर्च के लिए इनपुट डाटा को सॉर्टेड होना ज़रूरी है, अगर ना हो तो पहले सॉर्ट किया जाएगा और फिर सर्चिंग की जाएगी। बाइनरी सर्च कुछ इस तरह से होती है, लेट्स से हमने 22 को सर्च करना है इस डाटा में से 22 को सर्च करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट जब लेंगे ना, अपना शुरू करेंगे अपनी सर्चिंग, तो हमारे पास शुरू में एरे का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों को ऐड करके, या बेसिकली हम एरे के टोटल एलिमेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, यानी 6th एलिमेंट या 5वां इंडेक्स जो है मिड पॉइंट है। हमें मिड पॉइंट मिल गया, हमें लास्ट मिल गया, हमें स्टार्ट मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, हम अपने फाइंड की जाने वाली वैल्यू को मैच करेंगे। अगर तो वो मिड वैल्यू से, मिड इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी है, तो हम अपनी सर्चिंग का रुख मोड़ देंगे आपकी अरे के लेफ़्ट वाले हाफ पार्ट की तरफ, क्योंकि डाटा सॉर्टेड है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास छोटी वैल्यूज़ होंगी। लेकिन जिस वैल्यू अगर आपने सर्च करना है, अगर वो आपके पास टारगेट वैल्यू या बेसिकली मिड पॉइंट से बड़ी है, तो इसका मतलब है हमें अपने एरे के राइट वाले हाफ में मूव करके वहाँ पे सर्चिंग के काम को कंप्लीट करना है। लेकिन जी हमने 22 को सर्च करना था, हमने हमें एरे का मिड पॉइंट मिल गया कि फिफ्थ वाला जो इंडेक्स है वो एरे का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकेंड प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाई 2, या फिर बेस्ट इसका तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी साइज डिवाइड बाई 2। यानी कि सही इसका तरीका मिड फाइंड आउट करने का ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि साइज डिवाइड बाई 2 अगर आप करें तो आपके पास टोटल साइज एरे का 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपके पास आएगा जी ओके ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे ही है, आपके पास मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका ऐसे ही है, आप फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, वो आपके पास 0 प्लस 11 आपके पास आता है जी 11, 11 को 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5.5, 5.5 का फ्लोर वैल्यू यानी 5 वैल्यू ले लेंगे, 5 हमारे पास मिड पॉइंट बन गया। अब हम अपनी टारगेट वैल्यू को कंपेयर करेंगे मिड पॉइंट के साथ, अगर तो वो उससे छोटी है तो हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, अगर उससे बड़ी है तो हम राइट साइड में चले जाएंगे। लेकिन जी 22 वाज ग्रेटर देन 21 तो हम राइट साइड में गए, राइट साइड में गए तो राइट साइड में आके फिर से हमने राइट पोर्शन जो हमें मिला है जो कि 6 से शुरू हो रहा है 11 पे खत्म हो रहा है उसका मिड निकाल लिया। उसका मिड निकालने का वही तरीका, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स इसको ऐड करें, 6 जमा 11 आपके पास 17, 17 17 डिवाइड बाई 2 आपके पास आता है 8.5, जिसका फ्लोर आप 8 लेंगे। अब आपके पास मिड पॉइंट आ गया 8। अब 22 को चेक करें वो मिड पॉइंट से बड़ा है या छोटा है, अगर तो बड़ा है तो लेफ्ट राइट में जाएंगे, अगर छोटा है लेफ्ट में आएंगे। चूँकि 22 छोटा है आपके पास मिड पॉइंट यानी 62 से हम लेफ्ट में हैं, लेफ्ट में आके हमने फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट जो हमारे पास राइट पोर्शन बना उसकी उसकी फर्स्ट वैल्यू को हमने फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू को फर्स्ट कह दिया और लास्ट इंडेक्स वैल्यू को हमने लास्ट कह दिया, तो उसमें हमारे पास 6 फर्स्ट बना और 7 लास्ट बना और इन दोनों का मिड क्या बनता है, हमारे पास 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, और उसका अगर हम फ्लोर लें तो हमारे पास 6 ही मिड है। तो अब हम 22 को मिड से कंपेयर करेंगे, अगर तो वो उससे बड़ा है तो हम उसके लेफ्ट या राइट में उसी तरह रिकर्सिवली मूव करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपके पास 22 आपके पास मिड पॉइंट के साथ कंपेयर होके मैच हो गया, तो हम 22 जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है जी। और हमारा फंक्शन वहाँ पे टर्मिनेट होगा जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जो है बिल्कुल एडजस्टेंट हो जाएंगे, यानी 6 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 जो है वो आपके पास लास्ट से लास्ट के बिल्कुल पास आ जाएगी, यानी उन दोनों में सिर्फ एक का डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पे हमारा फंक्शन टर्मिनेट होगा। इस तरह से इसे प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। देखें अब हमने अपनी सर्चिंग को हाफ कर दिया, अगर 22 इस तरफ था तो हमने ये सारे इंडेक्सेस को नहीं देखा। अब 22 अगर आपके पास इस हाफ के लेफ्ट में था या राइट में था, हमारे पास लेफ्ट में था, हम लेफ्ट में राइट वाले पोर्शन को हमने इग्नोर कर दिया, यानी हमारी सर्चिंग जो मिनिमाइज हो गई है, हमने बाइनरी की फॉर्म में यानी डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करके सर्चिंग की है, सॉर्टेड डाटा को, जिससे हमारे पास सर्चिंग का तरीका आसान हो गया। बहरहाल जी यहाँ पे एक और सर्चिंग का 11 को फाइंड आउट करने का उन्होंने कहा है कि 11 को किस तरह से फाइंड आउट करना है। बहरहाल ये वाली जो सर्चिंग है इसके अंदर आपके पास होता ये है कि एट दी एंड आपके पास 11 फाइंड ही नहीं होता, क्योंकि वो इस डाटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप मिड पॉइंट आपके पास आप ऐसी लूप को आगे मूव करते करते आपका फर्स्ट और लास्ट जब सेम पोजीशन पे आ जाता है तो वहाँ पे आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट एक डिफरेंस पे रह जाता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, लूप टर्मिनेट कर जाता है। बहरहाल जी बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, अगेन बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम ने भी 3 इनपुट्स लेनी है, वो एरे जिसमें से डाटा को सर्च करना है, उस एरे का साइज और वो वैल्यू जिसे एरे में से सर्च करना है। बाइनरी सर्च के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 टेम्प्रेरी वेरिएबल्स लेंगे, फर्स्ट मिडल एंड लास्ट। फर्स्ट को 0 सेट किया जाएगा, लास्ट को साइज -1 सेट किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स साइज 12 है, तो 12 -1 11 हो जाएगा। वाइल टू यानी जब तक आपके पास एरे एरेज के जो इंडेक्सेस हैं वो बाउंड में रहते हैं,
यानी सिफर से छोटा इंडेक्स नहीं होता आपके पास, फर्स्ट और जो है 11 से बड़ा इंडेक्स नहीं होता लास्ट, यानी जब तक एरे इंडेक्स आउट ऑफ फॉर्म नहीं जाता तब तक ये लूप चलेगा। और ये वाइल लूप क्या करेगा, हर आइट्रेशन पे सबसे पहले क्या करेगा, मिडिल पॉइंट फाइंड करेगा, उसके लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेगा, टू पे डिवाइड करेगा तो मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि अगर डाटा मिडिल यानी डाटा एरे के अंदर मिडिल पॉइंट वाले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू हमारी वैल्यू से मैच कर जाती है तो हम सिंपली वही रिटर्न कर देंगे मिडिल पॉइंट का इंडेक्स। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट है तो वहाँ पे हम अपने लूप को कर देंगे टर्मिनेट। फर्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू लास्ट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट वाला इंडेक्स जो है वो या तो लास्ट से बड़ा या उसके इक्वल हो जाता है तो आपके पास जो है वहाँ पे आपने लूप को कर देना है स्टॉप। या तो दोनों एडजेसेंट हो जाते हैं या फिर यानी सेम हो जाते हैं फर्स्ट एंड इक्वल टू लास्ट, या फिर फर्स्ट जो है हमारे पास लास्ट से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाता है। बहरहाल जी, रिटर्न करते हैं हम -1, यानी वहाँ पे हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो डाटा मिडल यानी मिडल पॉइंट मिडल इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी है तो फिर हम क्या करते हैं, लास्ट को अपडेट करते हैं मिडल -1 से। क्योंकि अगर छोटी वैल्यू है जिसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। अगर बड़ी होती तो हमने राइट साइड पे जाना था और स्टार्ट को चेंज करना था, लेकिन चूंकि हम पीछे जा रहे हैं इसलिए अब लास्ट आपके पास आखिरी इंडेक्स नहीं होगा बल्कि मिड पॉइंट से भी पीछे एक पॉइंट आपका जो है ना वो लास्ट होगा। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो डेटा मिडल यानी मिडल पॉइंट वाले वैल्यू से, एरे के मिडल पॉइंट वाले डेटा वैल्यू से अगर बड़ी है जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट चेंज करेंगे। और फर्स्ट चेंज हम अपना इस तरह से करेंगे कि मिडल से एक आगे से हम अपना फर्स्ट शुरू कर लेंगे। रिकर्सिवली ये आपके पास ऊपर जाएगा जब तक आपके पास लूप ट्रू रहता है, जब तक फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास बाउंड में रहते हैं। ये ऊपर जाता है, लूप ऊपर जाके दोबारा से मिडिल कैलकुलेट करता है, मिडिल फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू से करता है। लेट्स से हम 22 को फाइंड आउट कर रहे थे, उसके लिए आपके पास फर्स्ट इफ़ भी ट्रू नहीं हुआ, सेकंड एल्स इफ भी ट्रू नहीं हुआ, थर्ड एल्स इफ भी ट्रू नहीं हुआ, फोर्थ वाला ट्रू हुआ, यानी 22 वाज ग्रेटर देन मिडिल पॉइंट। सो हमने मिडिल फर्स्ट को चेंज किया था, फर्स्ट को हमने मिडिल प्लस वन किया है, मिडिल प्लस वन लेट से 5 प्लस 1 6 हुआ, तो अब आपके पास 6 प्लस 11 ऐड होके 2 पे डिवाइड होंगे तो आपके पास मिड पॉइंट निकलेगा। और फिर उस मिड पॉइंट को चेक किया जाएगा कि वो वैल्यू इक्वल है या फर्स्ट लास्ट एक दूसरे से बड़े, फर्स्ट लास्ट से बड़ा है उसके इक्वल तो नहीं हो गया, या फिर आपके पास जिस वैल्यू को सर्च करें वो मिडल वैल्यू से छोटी तो नहीं है, मतलब जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके मुताबिक फिर फर्दर सर्चिंग का काम किया जाएगा। ये इसकी मेन सी कॉलिंग है, ये बाइनरी सर्च को फिर से उन्होंने दिखाया है। देखें जी, फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट यहाँ पे लास्ट यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट पर फर्स्ट कॉलम में ये कैलकुलेट किया, फिर हमने सर्च करने वाली वैल्यू 14 को कंपेयर किया 5 के साथ, वो ग्रेटर थी 5 से, इक्वल भी नहीं थी, छोटी भी नहीं थी, ग्रेटर थी। हम लेफ्ट राइट साइड में मूव करके राइट साइड में हमने देखा कि आपके पास राइट साइड में मूव करने का मतलब ये है कि आप राइट साइड का फर्स्ट और लास्ट बनाए, लास्ट तो वही रहेगा जो एरे का लास्ट है, लेकिन फर्स्ट चेंज हो किया जगह मिड में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, यानी फर्स्ट अब आपके पास से A4 बन गया एंड लास्ट आपके पास A7 बन गया। इन दोनों का मिड हमने कैसे निकाला, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 को डिवाइड करके, 4 प्लस 7 11 11 बाई 2 5.5, तो इसलिए फिफ्थ इंडेक्स जो आपके पास मिड पॉइंट बना। अब इस मिड पॉइंट के अराउंड फिर से हमने सर्चिंग करनी है, 14 अगर मिड पॉइंट से बड़ा है तो हम राइट में जाएंगे, अगर छोटा था तो हम लेफ्ट में रहते, चूँकि 14 है 14 से बड़ा है इसलिए हम लेफ्ट साइड में आए। और लेफ्ट साइड में आके हमने, लेफ्ट साइड में आने का क्या मतलब है, राइट साइड में आए, बड़ा है चूँकि 14 तो हम राइट साइड में आए। राइट साइड में आने का क्या मतलब है कि फिर से फर्स्ट जो है उसे चेंज किया जाए। फर्स्ट कैसे चेंज करेंगे, मिड प्लस वन से मिड 5 पे था तो अब फर्स्ट आपके पास 6 पे आ गया, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास वैल्यू फाउंड हो गई। और साथ ही साथ अगर आप इस लूप को दोबारा चलाने के लिए ऊपर जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट चूँकि एडजस्टेंट हो चुके हैं, अगर आप फर्स्ट को बढ़ाते हो या आप लास्ट को बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास एरे के इंडेक्स सब बाहर जाते हैं। तो वहीं पे हम अपनी बाइनरी सर्च को कंप्लीट करते हैं, और वैल्यू मिले या ना मिले जहाँ पे आपके पास फर्स्ट
फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स के दरमियान डिफरेंस नहीं बचता, वही हमारे पास क्या होता है, जो वही हमारे पास वहीं पे हमारी सर्चिंग कंप्लीट होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। ये अब यहाँ पे 14 को सर्च किया, यहाँ 8 को सर्च किया, यहाँ पे 4 को सर्च करके दिखाया तो 4 एक्चुअली मिला ही नहीं, 7 मिल गया, 4 नहीं मिला। सो ये था कि हमारे पास किस तरह से हम सर्चिंग करते हैं। अच्छा, अब सर्चिंग की अगर हम बात करें तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की लीनियर सर्च से हाफ हो जाती है। लीनियर सर्च अगर एन है तो ये एन बाय 2 हो जाती है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च।